कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से दो दिनों के कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। चुनावी माहौल में राहुल गांधी छठी बार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। दो दिनों तक राहुल कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। राहुल कोलर, चिक्काबलापुरा और बेंगलुरु में चुनावी प्रचार करेंगे। राहुल आज सबसे पहले मुलबाकिलू के मशहूर कुदुमलाई गणेश मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राहुल एक रोड शो करेंगे। राहुल जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। रविवार को राहुल बेंगलुरु में सफाई कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में सिद्धारमैया या सरकार को बचाए रखना अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं बीजेपी ने भी कर्नाटक चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। कर्नाटक में पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान पर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी ने चुनाव आयोग से भी जिग्नेश मेवाणी के भड़काऊ भाषण की शिकायत की है। जिग्नेश मेवाणी ने कल चित्रदुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के युवाओं से पीएम मोदी की रैली में घुसकर हंगामा करने और कुर्सियां उछालने की अपील की थी। 15 तारीख को पहली बार बेंगलोर में कैंपेन के लिए मोदी जी पैर रखे, उनकी सभा में घुस जाए और कुर्सियां हवा में उछाले और उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे और उसको पूछे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, उसके बाद जवाब नहीं, बोले हिमालय जाके सो गया वहां पे राम जी का मंदिर पकड़ के घंटा बजा। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 15 मई को कर्नाटक में पीएम मोदी की भी चुनावी रैली होनी है। कर्नाटक चुनाव से पहले दलित आंदोलन के बाद विपक्ष इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है।